इन द डेरिवेटिव्स वी लर्न द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ आर्बिट्राज जिसमें हमने कैश एंड कैरी आर्बिट्राज की बात की थी आज हम उसकी एग्जाम्पल करेंगे एंड देन सी अनदर एक्सटेंशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग सो लेट्स बी केयरफुली वॉच विद द फिगर्स एंड हाउ इट्स वर्किंग एग्जाम्पल कंसिडर स्पॉट प्राइस एज 120 पाउंड एंड एनुअल रिस्क फ्री रेट ऑफ 2 परसेंट दन ईयर फॉरवर्ड प्राइस अब डेफिनेटली हमने कहा टू परसेंट एनअल रेट है और अभी की प्राइस है वन ट्वेंटी तो एक साल बाद अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी को फॉलो करें तो प्राइस शुड बी अराउंड हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉइंट फोर सो दिस इज़ कैलकुलेटेड वैल्यू के इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए इफ़ द फॉरवर्ड प्राइस एक्चुअली इज वन अगर इस वक्त जो है वो फॉरवर्ड मार्केट में चल रहा है दैट इज वन ट्वेंटी फाइव तो इसका मतलब है कि आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर विल बी वेरी लुकिंग इन टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हम ऐसे करेंगे विल बोरो द मनी एंड स्ट्रॉग इट इन द स्ट्रक्चर सच वे दैट वी कैन गेन आउट ऑफ इट तो अगर आप ये देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है वन ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो यू गेट द डिफरेंस ऑफ वैल्यू और उसकी पर जब आप प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं तो टू पॉइंट फाइव फाइव डॉलर की यू कैन सी के देर इज सम आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी दैट एग्जिस्ट कि ये आप इसको इस तरह स्ट्रक्चर करें लॉक करें तो यू कैन गेन सम मनी थ्रू दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम कैश फ्लोट इसमें कैसे होगा कि आप कुछ मनी आपने बोरो कर ली एंड यू एंटर इन द पोजिशन टू मेक एट और इसके बाद जैसे ही द टर्म काम जेन तो आपने जो उसके फॉर फ्यूचर लेवल था उस लेवल पर आपने इसकी सेटलमेंट कर ली तो यू आर सींग इन दिस पर्टिकुलर मैकेज़म में क्या होगा कि आपने जो पोजीशन ली और आपने फ्यूचर में उसको सेल कर दिया और फ्यूचर में जाके आपने उसकी डिलीवरी ईवन आपके पास पैसे नहीं भी थे तो आपने बोरो करके वो ट्रांजेक्शन वो ले ली उस पर बोरिंग पर इंट्रस्ट भी दे दिया तो फिर भी आपको कॉस्ट पड़ी लोअर देन वट यू हैव सोल्ड इन द फ्यूचर सो आपको टू पॉइंट फाइव फाइव का रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगी बोरो मनी बाय स्टॉक सेल इन फ्यूचर विदाउट इन्वेस्टमेंट विदाउट टेकिंग रिस्क यू गेन फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन दिस इज रेफर टू एज आरबी ट्राज प्रॉफिट इसकी एक एक्सटेंशन है रिवर्स आरबी ट्राज रिवर्स आरबी ट्राज अभी तक हम जो बात कर रहे थे हम कह रहे थे कि फ्यूचर की प्राइस हमारी कैलकुलेशन से अगर ज्यादा होगी तो हम भी बाय

एंड वी बाय इन द फ्यूचर पिछली स्ट्रेटेजी में क्या कहा था बाय कर रहे हैं और फ्यूचर में सेल कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं अभी शॉर्ट सेलिंग कर दी और उसी आइटम को फ्यूचर में जहाँ पे वो रियलिस्टिक वैल्यू वहां पर बाय कर दिया तो होगा क्या सेलिंग एट अ हायर रेट एंड देन बाइंग एट अ लोअर रेट विद डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट से भी ज्यादा है तो देन यू कैन गेन मनी आउट ऑफ इट सो दिस इज रेफर टू एज रिवर्स आरबी ट्रॉज रिवर्स कैश एंड कैरिज प्राइज सिक्स टू एक्सप्लाइटिंग प्राइसिंग इन एफिशंसीज बिटवीन कैश प्राइस एंड कॉरिस्पोंडिंग फ्यूचर प्राइस के दोनों में अगर जो आपको अनोमलीज नजर आ रही हैं वेरिएशन आ रही है उसको आप बेनिफिट करने के लिए इस स्ट्रक्चर में जाते हैं रिवर्स कैश एंड कैरिज इज़ ओनली वर्थ वाइल इफ द फ्यूचर प्राइस इज चीप रेलिटिव टू स्पॉट यानी कि अभी इस लेवल पर स्पॉट रेट्स हाई हैं देख ये फ्यूचर की वैल्यू कम होने की देर कुड भी मल्टीपल रीजन फोरकास्ट लोगों का एक्सपेक्टेशन और देन इन एफिशंसीज़ आर ऑल्सो देयर तो इस कॉन्टेक्स में यू फाइंड द मैच एंड देन यू कैन लॉक इट टू गेन मनी आउट ऑफ इट फॉर रिवर्स कैश कार्बि आर्बिट्राइज होल्ड शॉर्ट पोजिशन इन एसिड अभी शॉर्ट हो गया यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर दी उसने कमोडिटी में स्टॉक में किसी भी चीज़ में और फ्यूचर में जाके हमने लॉन्ग या बाई की पोजिशन ले ली तो वो एक्टिवली ट्रांजेक्शन क्लोज है बट गेन फैक्टर इज देअर कैश कैरी स्ट्रेटीज ओनली वर्थ वाइल इफ इट्स चीफ डेफिनेटली वो इसको हम बैकवर्डेशन का कॉन्टेक्स भी कहते हैं बैकवर्डेशन इज वेन योर फ्यूचर प्राइस इज लोअर देन द करट स्पॉट प्राइस ये नॉर्मली क्रॉप वगैरह में भी होता है कि अभी क्रॉप का रेट ज्यादा है जब फसल आएगी तो रेट कम होगा तो फ्यूचर उसका बहुत ज्यादा लो ट्रेड कर रहा है तो देर आर कुड बी मैनी रीजन फॉर दैट एग्जाम्पल देख लेते हैं

वो है टू डॉलर डेफिनेटली द कॉस्ट इज़ ऑल्सो देयर विच वी हैव टू टेक केयर तो हमें दो डॉलर की कॉस्ट भी इन्वॉल्व दरमियान में हो रही है तो अगर तो ये चार डॉलर की कॉस्ट होती तो फिर तो मामला था कि आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी नहीं है एक सौ चार का भी है चार डॉलर की कॉस्ट है वो कम करें तो वो सौ पे आ जाएगा तो डिफरेंस वॉज लॉक लेकिन अभी कॉस्ट कितनी है दो डॉलर सो दैट मीन्स देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बी ट्रॉज इन दिस प्रेस आरबी ट्राज वुड इनिशिएट अ शॉर्ट अभी मैं क्या करूँगा एक सौ चार पे बेच दूंगा और फ्यूचर में जाके एक सौ चार एक सौ रुपये पे बाय कर दूंगा एक सौ चार पे बेच दिया एंड एट द सेम टाइम बाइंग एट अंड्रेड रेट तो फर्दर मुझे क्या होगा चार रुपये इसका डिफरेंस है आई एन कर द कॉस्ट ऑफ टू डॉलर एंड टू डॉलर गोज इन टू माई पॉकेट दैट इज़ द गन और यू कैन सी सेलिंग भी हो चुकी है बाइंग भी हो चुकी है वी आर लॉग्ड तो फिर हमारा प्रॉफिट जो है वो रिस्क फ्री हो गया यानी कि आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी को हमने एक्सप्लॉयड किया इस आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज जब एक्सप्लॉयड होती हैं फिर जब जैसे जैसे ये जाएंगे तो एक्चुअली क्या होगा फ्यूचर में अब एक चार, सौ चार आप ख़रीद रहे हैं तो उसका रेट थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा जो अभी सेलिंग हो रही है उसका रेट थोड़ा कम होना चाहिए तो अफेक्टिवली क्या होगा दोनों एट अ लेवल आ जाएंगे कि जो डिफरेंस है वो तकरीबन दो रुपए का ही रह जाएगा जो कि कॉस्ट है तो फिर एफिशिएंसी लाने की भी रीज़न यही होती है मार्केट में कि आर्बिट्राजर जो आते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो एफिशिएंसी आती है थैंक यू